पटना में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बीएमपी वन कैंप में गोली लगने से एक पुरुष और एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों कांस्टेबलों ने खुद को गोली मारी है। गोली की आवाज़ सुनकर बीएमपी में रह रहे दूसरे कांस्टेबल वहां पहुंचे और अनान फनान में उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि दोनों कांस्टेबलों ने खुद को गोली क्यों मारी। मौके पर एएफएसएल की टीम को बुलाया गया। पटना पुलिस के अधिकारी सूचना मिलने के बाद बीएमपी कैंप पहुंचे। गोली चलने पर बीएमपी कैंप में अफरा तफरी मच गई थी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लगभग सुबह 8 बजे की घटना है, जैसा कि यहां से पता चला बीएमपी के पदाधिकारियों से। और कोत है, कोत के ऊपर अंदर एक रेस्ट रूम है और उसी रेस्ट रूम में घटनास्थल है। दो आरक्षियों की मृत्यु हुई है, एक का नाम है वर्षा पितुंग, ये महिला सिपाही है 26 वर्षीय, और दूसरे का नाम है सुब्बा महेंद्र सुब्बा, महेंद्र अमर, इसमें महेंद्र, अच्छा अमर सुब्बा, अमर सुब्बा पिता महेंद्र सुब्बा। इनकी उम्र है लगभग 36 साल। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। जो इनके इशूड वेपन थे अमर के, उसी से गोली चली है। अभी तक जो पता चला है, एफएसएल की टीम आई है और एफएसएल की टीम ने मौका वारदात का मुआयना किया है। इंक्वेस्ट हो रहा है, पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। कुल 5 गोलियां चली, एक ही राइफल से गोली चली है जो कि अमर की है। कारण क्या? वो कारण विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग और लोगों का ये बयान लेंगे कि ये तो इस प्रांगण के अंदर का मामला है, तो ये यहाँ के लोग ज़रूर जानते होंगे इनके बीच का कैसा संबंध रहा था, दुश्मनी अगर थी तो किस बात की थी या दोस्ती अगर थी तो कैसी थी।